ये गिर गया, उसको फिर से चिपकाना। एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता व्लॉग्स पे। तो गाइस, आज दिन है 2 नवंबर और आज 2 मई को हमारा शादी हुआ था और 2 नवंबर आज हो गया, मतलब 6 महीना कंप्लीट, मतलब हमारा हाफ मंथ एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ आज के दिन। सो बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी। ऐसे मत बोलो अकड़ू जैसा, अच्छा से बोलो हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। तो गाइस, हम लोग आज कुछ करने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा करने वाले हैं, मतलब सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उसका अभी तैयारी में लगना है, क्या क्या करेंगे वो सब आपको ब्लॉग में कंटिन्यू रहने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए बने होंगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अगर ब्लॉग पसंद आए तो। तो गाइस, मैं आगे बढ़ती हूँ, उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि हमारा केक आ गया है। तो केक इधर रहा, कुछ भी आ गया है और किस रूम में अभी सेलिब्रेट करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो पहले हम दिखाते हैं। इधर सेलिब्रेट करने वाले हैं, मतलब ये सीढ़ी वाले रूम के बाजू में जो हमारा पर्सनल रूम है ना, इस रूम पे, तो यहाँ हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो जगह काफ़ी मस्त है ना, देख सकते हो कितना प्राइवेट जगह है और कितना मस्त जगह है। इस जगह को हम रेडी करेंगे थोड़ी देर में, तो जब रेडी करेंगे आप लोग को तो दिखाएंगे ही। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरा 6 मंथ एनिवर्सरी है, तो आप लोग ब्लॉग देखना ज़रूर और पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना। तो ठीक है गाइस, तैयारी करते हो। ऐसे एनिवर्सरी खुश करना है, बताओ ये सब करना चाहिए आपको, हमको करने बोल रहे, बताओ। हद हो गया, हद। सब क्या पड़ा हुआ है गाइस, देख सकते हो तोता आया है मेरे खिड़की पे, हम इसको मालूम भी नहीं है क्योंकि घर के अंदर से बाहर का पता चलता है लेकिन बाहर से अंदर कौन है वो नहीं पता चलता है, इसलिए बेचारे को पता ही नहीं कि अंदर से हम कैमरा कर रहे हैं और बेचारा खिड़की में आके बैठा हुआ है, आवाज़ कर रहा है। ये देखो कितना प्यारा तोता, मेरा बहुत फेवरेट है। तो बस इसी तरह बहुत देर तक बैठा, फिर उड़ गया। वेल गाइज, तो ये देखो हमारा रेडी हो गया है रूम, सारे खिड़की में हम पर्दा लगा दिए हैं, देख सकते हैं नया पर्दा है, सबको लगा दिए हैं। और ये मैरिट, थोड़ा सा वो जस्ट वाला ख़राब हो गया तो इसलिए हमको मैरिट से ही काम चलाना पड़ा। कर लिए हैं, अब यहाँ पर नीचे गद्दा बिछाना है और भी बहुत सारा डेकोरेशन है गाइस, वो तो धीरे धीरे ही पता चलेगा आप लोगों को। तो फिलहाल अभी नीचे का देखते हैं, पहले बाकी का भी सामान ले आए हैं गाइस, बलून वगैरह सब। कन्फ्यूज़ हो रहा है थोड़ा सा, इधर बैठने का रखे या इधर लाइट की तरफ रखे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, देखते हैं। सही, पहले बलून फुला लेते हैं। कंप्लीट हो गया है और हम दिखाते हैं अभी कितना कर पाए हैं, बाकी का जो भी करना है वो रात को करना, अभी नहीं करना। तो हम पहले आप लोगों को डेकोरेशन दिखाते हैं। ये देखिए दीवार साइड में, एक्चुअली ये शादी के टाइम ही आया था जस्ट मैरिड का, लेकिन अभी इसका कुछ काम था नहीं तो ऐसे तो रखा ही रहता, तो इसलिए उसका कुछ रील्स बनाएंगे इसलिए उसको वो लगाए। उसके नीचे बेड भी लग गया है और तार लग गया है, इधर इस तार से लाइट लगाए हैं और यहाँ पे अभी पर्दा में कुछ था नहीं तो ऊपर में बुक रख दिए हैं।
और चार तीनों खिड़की बंद कर दिए हैं, नया पर्दा लगा दिए हैं, देख सकते हो। इधर भी बलून लगा दिए हैं, बाकी सारा बलून एक साइड इधर एक साइड उधर, और यहाँ पे हार्ट का शेप बनाया है, वो रात को पता चलेगा कि क्या है। तो गाइस इधर देख सकते हो, इधर भी साइड साइड में पूरा इस तरह से कैंडल लगाया है, पूरा रूम तक, पूरा बाहर रूम तक लगाया है। तो गाइस देखो रूम ऐसा डेकोरेट हो गया है, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। तो ठीक है गाइस, अभी हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए, इतना कर लिए हैं, बाकी का काम अब रात को करना है। गाइस तो अभी खाना बनाने जा रहे हैं, मतलब अभी 6 बज रहा है, तो सबसे पहले नीचे खाना बना लेंगे, खा लेंगे, उसके बाद का पार्टी चलेगा। तो गाइस अभी नैनुआ का सब्जी बनाने जा रहे हैं, वो मतलब आटा सान लिए हैं, रोटी पहले बनाएंगे उसके बाद इसको बनाएंगे। तो देखिए इतना सारा है, अभी इसमें थोड़ा सा आलू भी मिक्स कर देंगे, उसके बाद जैसे खाना बनेगा उसके बाद सबको खाने के बाद। तो ठीक है गाइस, आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहो और बस देखते रहो। पहले अब जा रहे खाना बना लेते हैं, उस सब खाना बनाते बनाते हम बिग बॉस भी देखते हैं, वो मेरा एक्स्ट्रा काम है। तो ठीक है गाइस, अभी हम चलते हैं रोटी बनाने के लिए और बिग बॉस भी देखते हैं। तो गाइस हम खाना खा के आ गए हैं और अब जा रहे हैं, जो बाकी है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो फ्रिज पे रखे हैं सामान, वो सब लगाते हैं। देखो गाइस ये इसको पहले कंप्लीट करते हैं, बंद कर दिया था। अभी देखो सब जैसे तैसे हो के रखा है, सबको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले रेडी करते हैं इसको। ओ जैम, मैंने तो वो देखा ही नहीं था। अच्छा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। ये गिर गया, उसको फिर से चिपकाना पड़ेगा। ठीक है पहले हम उसको चिपका लेते हैं, फिर इसको करते हैं। गाइस जितना बलून चिपकाया था सब गिर गया, फिर से चिपकाते हैं। तो अभी करना क्या है, इस पे पंखुड़ी डालना। ये हार्ट शेप में बन जाए, एक सेकेंड। ये मेरा हार्ट शेप रोज का पंखुड़ी से बन के तैयार हो गया, और कुछ टेबल में भी रख दिए हैं, थोड़ा सा बच्चा था उसको यहाँ रख दिया। हाँ हो गया। तो गाइज अब जाते हैं रेडी हो किए ना। गाइज किसी को भी अगर डेकोरेशन करना होगा अपने घर पे तो हमको बुला सकते हो, हम कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो हम कितना अच्छा से किए सब कुछ। ठीक है तो अब जा रहे हैं हम रेडी होने के लिए। तो गाइज हम रेडी हो गए हैं और अब लास्ट जो बचा हुआ है उसको जा रहे हैं करने के लिए। तो गाइज चलते हैं अब सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइज देख सकते हो कैमरा में अपना अच्छा आ रहा है या नहीं, रियल वॉच। वाओ गाइज कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हो गाइज कितना प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस आप लोग को मेरा सरप्राइज कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम ही सजाया ना। कैसा लगा? अच्छा अच्छा है ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब तरफ लाइट है। अब वो रिंग, हमको रिंग पहना, हमको रिंग पहना, ये नौटंकी नहीं होगा हमसे, सब रिंग पहना। अच्छा ठीक है, हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू। गाइस ये देखो केक, 6 मंथ एनिवर्सरी का। अब हम लोग जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, वो ब्लॉग में नहीं आएगा। कोल्ड ड्रिंक है, रेड वाइन मत समझना। हाँ तो गाइस ये हमारा कोल्ड ड्रिंक है, वो दिखा दो। ये हमारा है कोल्ड ड्रिंक, इसको कोई रेड वाइन ना समझे। खूबसूरत लगने के लिए है।
तो इसको साइड कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और उधर देखो, उसमें कुछ पता चल रहा है? पता चलेगा? नहीं पता चल रहा, सामने से दिखा देंगे। चलो केक कट गया, केक का मर्डर हो गया। अच्छा, और इसको लाइट से जलाएंगे। पोपट बनी है क्या है? ओह वाओ, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। चलो केक भी कट हो जाए। चलो अच्छा, केक भी कट कर लेते हैं। हैप्पी 6 मंथ बुबिया, हैप्पी एनिवर्सरी हाफ जस बुबू। एनिवर्सरी कंप्लीट हो गया, हम लोग सेलिब्रेट कर लिए और आ गए अपने रूम पे। बगल वाले रूम से जहाँ पे सेलिब्रेट किए थे वो रूम पूरा डेकोर किए थे गाइस, बहुत मेहनत किए थे। आप लोग बताना कैसा था, और आप लोग को अगर मेरा एफर्ट नज़र आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ठीक है गाइस, ये देखो मेरा रोज, मेरे डिब्बू के पास है। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मैं चलती हूँ सोने के लिए, सभी को गुड नाइट, बाय बाय।